आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं, पर आपको कैसे पता चलेगा आपको अपने चेहरे पे क्या लगाना है? क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और गलत प्रोडक्ट अप्लाई करने से आपका फेस ख़राब हो सकता है, बर्न हो सकता है, अनइवन टोन हो सकती है, पैचेस पड़ सकते हैं और तमाम तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। इसलिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी विद ऑनेस्ट रिव्यूज़। तो आज का मेरा नंबर वन प्रोडक्ट है टोनर। टोनर गाइस हम अपने मेकअप से पहले लगा सकते हैं या नहाने के बाद कभी भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लम का टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रेप वाइप की फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है और ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है और आप पूरा दिन फ्रेश फील करती हैं। नंबर सेकेंड प्रोडक्ट है एलोवेरा। गाइस एलोवेरा अगर आपके पास नॉर्मल हो, ओरिजिनल वाला लीफ वाला, तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाबर का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि ये इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, सिलिकिन पैराबिन्स जैसे केमिकल्स नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही सेफ़ है। थर्ड मैं फेस मास्क कौन सा यूज़ करती हूँ, क्योंकि गाइज कभी कभी मेरे स्किन पे एक्ने हो जाते हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो मैं यहाँ पे हिमालय का नीम फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से लगता है, बहुत ही हर्बल होता है, नीम का है तो पिंपल मार्क्स डार्क स्पॉट सब रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन एकदम डीप क्लीन हो जाती है, बहुत ही अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन और नरिश करता है। आपको थोड़ी देर लगा के रखना है, देन इसे वॉश कर लेना है एंड यू विल गेट ग्लोइंग ब्राइटनिंग स्किन। फोर्थ हम आपको शीट मास्क बताएंगे। गाइस शीट मास्क बहुत ही अवेलेबल है मार्केट में, बट मेरी स्किन क्योंकि बहुत डल और ड्राई है, बहुत ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं, और एंटी एजिंग से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो ये काया यूथ का ऑक्सी इन्फ्यूजिंग ब्राइटनिंग फेस मास्क बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको खुद यूज़ करा है, ये इतना ज़्यादा सीरम से लोडेड था, मैंने अभी तक कितने भी यूज़ करे कोई भी इतना ज़्यादा फुल ऑफ सीरम नहीं होता है, बट इसमें बहुत सीरम था। मैंने इसको अपने फेस पे लगाया क्योंकि थोड़ा बड़ा था, तो मैंने सीजर की हेल्प से इसे अच्छे से कट करके लगा लिया। आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर शीट मास्क आपकी स्किन के बराबर नहीं है, फेस के बराबर, और बाद में इसे अच्छे से लगा के थोड़ी देर रखना है, देन इसका जितना भी सीरम निकलता है उसे अच्छे से मसाज करना है एंड यू विल गेट ब्राइटनिंग हाइड्रेटिंग स्किन। तो नंबर फाइव हमारा नाइट क्रीम। रात में सोने से पहले अपना स्किन केयर रूटीन में नाइट क्रीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे प्लम की टी ग्रीन वाली बेसिकली नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। ये एक्चुअली इसका टेक्सचर जेल बेस्ड होता है, ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी होती है। मुझे ये इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो ऑयली के लिए तो ये बेस्ट है। आपको इसको लगा के कम 5 मिनट ऐसे अपवर्ड साइड में अपनी स्किन की मसाज करनी है, ताकि सुबह सुबह जब आप उठोगे आपको बहुत ही यंगर लुकिंग और फ्रेश स्किन मिलेगी। सिक्स हमारा बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके पास बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस लाता है। मैं यहाँ पे हवाई रूम्बा प्लम का ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे प्लम के प्रोडक्ट बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत फ्रेश है, बीची वेव्स जैसी, सो यू कैन यूज़ इट। सेवन हेयर सीरम। आप कौन सा हेयर सीरम यूज़ करते हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो लिवॉन का यूज़ करती हूँ। मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो मैं शुरू से यही यूज़ करती हूँ, इसकी स्टिकनेस बहुत अच्छी है और ये ऐसे बहता है ना बालों पे, मतलब रनिंग होता है, जिससे मेरे बाल बहुत ही ईजिली टैंगल फ्री हो जाते हैं। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, और आप ही ये यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आपके सर पे बहुत डैंड्रफ हो रखा है, इचिंग हो रखी है, तो ये प्लम की एक सीरीज़ निकली है जिसमें प्लम का स्कैल्प स्क्रब होता है, प्लम का शैम्पू होता है और प्लम का ही सेरम होता है। ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वन बाय वन आप इसको पहले स्क्रब से मसाज करिए, देन शैम्पू से वॉश कर लीजिए और फिर लास्ट में हेयर सेरम लगा के अपने बालों को टैंगल फ्री कर लीजिए एंड यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना।